नालासोपारा के प्रगति नगर इलाके में कल देर रात को नाजिम अली सैयद नामक रिक्शा चालक को मारपीट कर लूटने के आरोपी रमजान इकबाल शेख को तुलंज पुलिस ने महज 6 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कल रात को रिक्शा चालक नाजिम सैयद अपना रिक्शा पार्क करके घर जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में उससे रमजान ने उसके साथ मारपीट कर उसके पास से 4,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। बता दें इस हमले में नाजिम के सिर पर काफी चोटें भी आई हैं। नाजिम की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे महज 6 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आप सीसीटीवी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी रमजान शेख रिक्शा चालक नाजिम को डरा धमका कर लूट रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रमजान शेख पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।